Hey gamers, welcome back to the very first episode of season 19 solo TPP Conquer series. तो यार guys, आप लोग सभी लोगों का मैं तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे फर्स्ट डे के फर्स्ट एपिसोड पे यहाँ पे और सीजन 19 कॉन्कर सीरीज के. तो भाई यहाँ पे क्या था कि भाई पांच बंदे मैंने मार दिया था, तो मैं सोचा कि चलो यार रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ऑन कर ली जाए और थोड़े से यार जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर शेयर कर सकूँ मैं करता हूँ यहाँ पे. तो भाई बहुत गलत गेम चल रहा था, बंदा यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ रहा था. तो भाई होता है ना भाई, चुल मस्ती है बंदों के कि भाई जल्दी से जल्दी कवर पकड़ा जाए. तो लेट पहले अगर नहीं आओगे भाई, लेट अगर आओगे तो भाई जगह तो ढूंढनी पड़ेगी. तो उतने में यार एक बग्गी दिख जाता है और बग्गी यहाँ पे आ करके एकदम मतलब होल्ड कर लेता है. ये शायद मुझे लग रहा है कि एयर ड्रॉप लूटने के फिराक में आया था, लेकिन यार ये मेरे को देख करके रुक जाता है, नेट वगैरह करना शुरू कर देता है. तो मैं भी यहाँ पे नेट करता हूँ और भाई मेरी यही कोशिश होती है कि भाई इस बंदे को भी जल्दी जल्दी यहाँ से निपटाओ, क्योंकि भाई कोई बंदा सामने अगर रहेगा भाई तो वो मेरी पेटी बना देगा, नहीं तो मैं उसी पेटी बनाऊंगा. भाई दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगा. तो भाई अपन को तो भाई पेटी नहीं बनना है, उनकी पेटी बनानी है. तो भाई मैं यहाँ पे लगातार नेट वगैरह जो ही मेरे पास होता है मैं करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ. और वो बंदा वहाँ पे लकली यहाँ से एस्केप होना चाहता है, फायर जरूर देता हूँ मैं, लेकिन वो फायर से निकल जाता है और वहाँ से बच निकलता है भाई. तो भाई यही कोशिश थी मेरी कि भाई कोई बंदा अगर आता है तो इस पोजीशन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई बहुत सोच विचार करके मैं ये पोजीशन होल्ड कर रहा था. और मेरी यही कोशिश थी कि भाई अगर ये जोन अगर दो जोन भी अगर मेरे साथ अगर पड़ जाता है ना भाई तो गेम निकालना ईजी हो जाएगा. और उतने में यार मेरे को साउंड आता है डासिया की, और ये देखो जैसी डासिया का साउंड आता है मैं यहाँ पे अपने आप को सेटल करता हूँ और यहाँ पे बैरल कैश पे दे करके उस बंदे को फिनिश डाल देता हूँ. अभी यहाँ पे बंदे 15 बाकी थे और भाई जोन काफ़ी छोटा होना स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे, और भाई 30 सेकंड बाकी थे. मैं कहता हूँ ना सेकंड लास्ट जोन ना भाई आपको दिखाता है, सिखाता है, मतलब दिखाता क्या सिखाता है आपको. तो यहाँ पे मैं बंदे की कोशिश ले रहा था कि भाई बंदे है कहाँ. दो बिल्डिंग मेरे हाथ में थे और दो बिल्डिंग में से कोई भी बिल्डिंग मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था. इसलिए छोड़ना नहीं चाह रहा था कि भाई अगर कोई भी बिल्डिंग अगर आप छोड़ देते हो ना दोनों में से, तो फिर आप ना मूवमेंट आपकी फिर रुक जाएगी भाई. तो मैं दोनों में बिल्डिंग में आसपास जाकर के कभी घूम रहा था, कभी देख रहा था, कभी बैठा था. उतने में यहाँ पे मेरे को स्मोक दिख जाता है, मेरे को लग जाता है भाई कुछ ना कुछ तो भाई पंगा है यहाँ पे. तो भाई लकली यहाँ पे देखो स्मोक हुआ था और स्मोक में नेट फट गया भाई. तो नेट फट गया मतलब मेरे को लगा भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे. उतने में यहाँ थोड़ा सा देखने लगता हूँ मैं यहाँ पे, और एक बंदा देखो यहाँ पे घर पे चला हुआ है. लकली मैं यहाँ पे स्प्रे देता हूँ, लेकिन आपको पता है बैरल है तो भाई बैरल तो एक स्प्रे दो स्प्रे पड़ेगा, उसके बाद भाई बैरल इतना घूमेगा ना भाई जितना आप कभी नहीं घूमे होगे यार. तो भाई बैरल का स्प्रे तो भाई कनेक्ट नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से. कोई बात नहीं, वो बंदा लकली बच जाता है, लेकिन यार मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है वो बंदा जो मेरे सामने आकर के स्मोक और नेट कर रहा है. मतलब यार ये है कि बंदे यहाँ के कुछ ना कुछ आसपास ही है. तो लकली यहाँ से लेफ्ट साइड से फायर आने लगता है, और फायर जैसे ही आता है मैं अपनी मूवमेंट थोड़ी सी चेक करने लगता हूँ कि बंदे हैं कहाँ. उसने मैं उस बंदे का देखो जो सामने अभी मार खाया है, वो बंदा अभी ऊपर छत पर से अपनी सिर को दिखा रहा है. तो भाई सिर दिखाओगे भाई तो सिर फोड़ दिया जाएगा भाई. तो ज़्यादा देर तक सिर उसने दिखाया नहीं, उसको पता था लकली कि भाई सिर फटेगा, क्योंकि सामने उसको शॉट पड़ चुका है. उसको अब वो पीक तो लेगा नहीं, इतना इस बात का तो कन्फर्मेशन डन था. वो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यार देखने लगता हूँ कि बंदे कहाँ मिलेंगे मेरे को. यार बंदे तो चाहिए यार, किल तो चाहिए यार, किल नहीं करेंगे भाई तो कैसे पॉइंट बनेगा यार. पॉइंट नहीं बनेगा भाई तो इतना लेट से अगर स्टार्ट करा है कॉन्कर की पूछ तो भाई कॉन्कर कैसे मिलेगा भाई टाइटल. तो भाई मैं यहाँ पे देखते रहता हूँ कि उतने में मेरे को यहाँ पे एक बंदा देखो यहाँ पे सामने से भागता हुआ नजर आता है, और मैं इसको यहाँ पे भेज देता हूँ लॉबी. भाई लॉबी भेजना तो पड़ेगा भाई, माफ़ी चाहता हूँ यार लॉबी भेजने के लिए, लेकिन यार लॉबी तो भेजना पड़ेगा. या तो आप मेरे को भेजो नहीं तो मैं आपको भेजूंगा. सोलो गेम प्ले में तो यही कहता है भाई कोई किसी के. और ये देखो सामने वाला बंदा फिर से यार ट्राई कर रहा है भाई. और तो भाई लकली है भाई, ये बंदा को आप लकी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे बताओ यार. ये बंदा दो बार स्प्रे से मेरे बच गया यार. और भाई सोलो गेम में दो बार बचना मतलब कि यार आपको आप चिकन डिनर आप उसके लायक हो भाई. लेकिन फिर भी लेट्स सी कि इस गेम में चिकन डिनर आखिर निकालता कौन है और भाई कैसे निकालता है, सबसे बड़ी बात ये होगी. अभी भी यहाँ पे 8 बंदे अलाइव हैं मेरे को छोड़ के, यहाँ पे 7 बंदे, मतलब भाई 7 बंदे टॉप क्लास होंगे. और भाई टॉप क्लास से फाइट तो भाई ऐसी ही नहीं हो जाएगी भाई. आपको आराम से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी, और स्ट्रैटेजी में मेक श्योर होना पड़ेगा कि आपके पास एक कवर का रहे. तो यार पीछे से मेरे को साउंड आता है, मैं यहाँ पे देखने लगता हूँ कि भाई वो बंदा अंदर आएगा डायरेक्ट तो मैं मारूंगा. लेकिन वो बंदा ही चालाक था भाई, होल्ड करना शुरू कर देता है, यहाँ पे बैंडेज लगाना शुरू कर देता है. मैं यहाँ पे पुश करता हूँ, मतलब मेरा यही था कि भाई बैंडेज लगा रहा है मतलब कि पक्का उसका जो हेल्थ है वो 60% है. देखो इस वाले फाइट को एक बार,
मेरी भाई यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी भाई जीरो हो गई थी भाई, और लकली मेरे को एक या दो सेकंड के अंदर मेरा नेट जो वापस आ जाता है भाई, नहीं तो भाई हमारी बुरी वाली पेटी बनने वाली थी भाई। इस गेम में देखा होगा आपने कि अभी इस वाले फाइट में देखा होगा आपने कि भाई मैं पीछे जब इस पे फायर ले रहा था तो पीछे से डासिया का कोई बंदा आ जाता है और वो भी स्प्रे देता है भाई, बहुत खतरनाक वाला भाई। अभी देखो इस वाले फाइट को एक बार फिर से, बैक टू बैक फाइट चल रही है भाई। तो यही है ना भाई, जो बंदा बाहर जो रहता है ना उसके पास थोड़ी सी मैं क्या कहूँ कि कवर का जो चीज़ें होता है बहुत ज़्यादा कम जाता है, क्योंकि उसको भाई वो पूरा ओपन में रहता है, हमारे पास कवर होता है, कवर के थ्रू हमें मारना होता है तो भाई इजीली हो जाता है शॉर्ट्स मारना भाई। तो यहाँ पे भी बैक टू बैक दो फाइट हुई है और यहाँ पे मैं चाह रहा था भाई कि अभी भी आसपास कोई भी बंदा भटके ना भाई। जल्दी जल्दी मैं लूट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि एमके जल्दी से ले लिया जाए, क्योंकि भाई यूजी का स्प्रे ठीक है, अच्छा काम करेगा, लेकिन भाई एमके से बढ़िया गन हो नहीं सकता है भाई। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं चेंज कर रहा था कि भाई यूजी को हटाओ, फटाफट से एमके उठाओ, और एमके उठाने के बाद भाई बैरल एटलीस्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई बैरल भाई ऐसी गन है ना भाई जो आपको ना खींच के निकाल देगी भाई, कुएं में अगर गिरे हो ना भाई तो खींच के निकाल देगी बैरल, वैसी गन है। अगर आपको कंट्रोल हो गया तो भाई कंट्रोल के लिए सिर्फ बैठ करके आपको फायर देना है, लेट करके फायर देना है, इस बात का आपको बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि भाई बैरल को कंट्रोल कर पाना इतना भी आसान नहीं है यार, इतना भी आसान नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि भाई पांच बंदे थे मेरे को छोड़कर के, यहाँ पे चार बंदे, तो लकली मैं थोड़ी सी पोजीशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, और मेरे को ना थोड़ा सा साउंड आता है भाई कि यहाँ पे नेडिंग वेडिंग चल रही है, और लास्ट टाइम मैं भी यहाँ से गुजरा था लेकिन ना कोई बंदा नजर नहीं आया था भाई। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि भाई आखिर है कौन ये बंदा यहाँ पे यार, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो कोई बंदा मेरे को नजर नहीं आता भाई। तो मेरे को लगता है भाई पक्का कोई बंदा आकर के यहाँ पे रुक गया है भाई, क्योंकि साउंड तो मुझे मिली है, और साउंड मिली है और नेडिंग हो रही है, मतलब भाई कोई ना कोई बंदा तो है यहाँ पे जो लगली मेरे वेट कर रहा है, और भाई अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो पेटी तो जरूर बना देगा भाई। तो सामने एक सैक पड़ा था, मेरे को लग गया था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और देखो यहाँ पे बग्गी मेरे को दिख जाती है सामने से, थोड़ी सी झलक आपको नजर आ रही होगी, तो मेरे को समझ में आता है कि भाई ये बंदा अगर अंदर नहीं है तो यहाँ पे यहाँ तो ब्रोकन वाल के पास होगा, नहीं तो यहाँ पे सैक के अंदर होगा, और मैं यहाँ पे नेट करता हूँ और ये बूम। तो भाई लकली अनलकली जैसे भी बोलो ये बंदा मेरे से चला जाता है लॉबी भाई। तो इसके रिगार्डिंग मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ बंदे से यार, और अभी बाकी है तीन बंदे और मेरे को छोड़ के यहाँ पे दो बंदे, और यहाँ पे फायर शुरू हुई और सामने वाले बंदे ने एक बंदे को यहाँ पे पेटी बना दिया। यहाँ पे बी लैक गैब्रो से मेरी लास्ट फाइट होने वाली है, लेट्स सी कि वन वर्सेस वन सिनेरियो में आखिर जीत कौन पाता है भाई। तो अभी क्या था कि भाई मेरे को समझ में आ रहा था कि भाई यहीं से फायर हुआ, मतलब बंदा यहीं है, अब मेरे को ये नहीं पता था कि भाई बंदा है कहाँ, है कहाँ कहाँ स्टक हो रहा है। तो भाई ये सामने वाला घर सिंपल सी बात है कि हो सकता है यहाँ पे हो या फिर ब्रोकन वॉल के आसपास हो। तो भाई यहाँ पे मैं नेट करना शुरू कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे नेट करता हूँ तो मैं यहाँ फटता नहीं है बंदा, और ये देखो साइड से वो जाकर के ब्रोकन वॉल के पास जाकर के बैठ जाता है, मतलब ये है कि भाई मेरे को पोजिशन पता चल चुकी है कि बंदा सामने है। तो भाई मेरे पास एक आखिरी नेट है और गेम का भी आखिरी समय बाकी है भाई। तो यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रहा था कि सामने सामने नेट करूँ और नेट प्रॉपर फटे, और यहाँ पे प्रॉपर नेट फटता है और हम आ जाते हैं पहले डे के पहले चिकन पे, और विनर विनर चिकन डिनर हमें मिल जाता है भाई। तो कैसा लगा गाइस, अगर गेम प्ले पसंद आया हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और भाई अपने आपने अगर हमें सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया भाई तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि भाई इसमें इस कॉन्कर के सीरीज में ना सीजन 19 में भाई पर डे आपको एक ऐसी गेम प्ले आपको मैं दिखाऊंगा और भाई मजा जरूर आने वाला है। तो भाई अगर आपने अभी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो भाई ठोक दो भाई, तोड़ दो उस बटन को, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी अदर एपिसोड, टेक केयर योरसेल्फ एंड हैव अ गुड टाइम अहेड।